कुछ इस तरह से आप HD थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं क्रिकेट का, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपना मोबाइल में आ जाना है और आपको यहाँ पर पिक्सार एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सिंपली कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। कोई भी फोटो आप यूज करना एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। तो सिंपली आपको नीचे प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिटिंग फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो अपना जो क्रिएट करना चाहते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं फोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आपको क्रॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोगों को फोटो का रेशियो सिलेक्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको क्लिक करना है। जैसे कि पता है आपको यहाँ पर हम लोग थंबनेल क्रिएट करने वाला है यूट्यूब के लिए, तो सिंपली यहाँ पर 16:9 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं 16:9 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन को क्लिक करूंगा, उसके बाद ये सेट हो जाएगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको इफेक्ट वाला ऑप्शन हम लगाने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको चूज़ कर लो। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। उसके बाद इसको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर स्टिकर वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा, क्योंकि हम लोग स्टिकर वाला ऑप्शन पे जाकर आपको एक बिग नेट स्टिकर लगाना होगा, जो कि इफेक्ट है उसको आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना होगा बिग नेट। यहाँ पर BIGNETT बिग नेट लिख के आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर आ जाता है बहुत सारे ऐसे स्टिकर। सिंपली यहाँ पर आप कुछ इस तरह का आपको सिलेक्ट करना है जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। सिंपली आपको नीचे भी चले जाना है, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना है और बॉर्डर के साइड में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा और बीच में आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, सिंपली ये वाला स्टिकर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको इसको फिक्स कर देना है। यहाँ पर मैं इमेजेस के ऊपर कुछ इस तरह से दो फिंगर यूज करके मैं इसको फिट करता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको और भी बहुत कुछ काम करना है, यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको और एक स्टिकर आ जाएगा, सिंपली उसको भी आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पर आपको स्टिकर वाला ऑप्शन पे आ जाना है। ध्यान रखिए यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है, सिर्फ आपको स्टिकर का ही काम आने वाला है। यहाँ पर स्टिकर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर व्हाइट लाइट आपको सर्च कर देना है। सिंपली यहाँ पर व्हाइट लाइट लिख के मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है, आपको सबसे पहले ऊपर में ही आपको मिल जाएगा। ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बेंडिंग वाला ऑप्शन। इसको आपको क्लिक करना है और इसको आपको मल्टीपल ओवरले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका वीडियो में मल्टीपल में किस तरह से नज़र आ रहा है उसको देखिए, उसके बाद लाइटिंग पर भी देखिए, उसके बाद ओवरले पर भी देखिए। यहाँ पर मैं ओवरले पे क्लिक करूँगा तो आपका यह इमेज बहुत ही लाइटिंग आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर आप ओवरले पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि ये यहाँ पर मैं विराट कोहली को फोकस करने वाला हूँ तो विराट कोहली को ही यहाँ पर फोकस करूँगा। उसके बाद एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आ जाना है वापस और आपको यहाँ पर स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पर मैं वाइट बैकग्राउंड लिखूंगा, उसके बाद सर्च कर दूंगा।
सो यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर आ जाएंगे। सिंपली एक व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसको फिंगर के जरिए इसको छोटा कर देना है, कुछ इस तरह से साइज को करना है, और इसको कुछ इस तरह से जूम कर देना है, और इसको थोड़ा सा रोटेट करना है कुछ इस तरह से। सो कुछ इस तरह से करने के बाद आपको इसको फिट कर देना है कुछ ऐसे ही। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली बेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और इसको ओवरले वाला ऑप्शन को क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर लेना है। सो देख सकते हो मैंने यहाँ पर ओवरले पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो। सो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टैप कर देने के बाद आपको फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर अभी आपको बैकग्राउंड को हटा के आपको यहाँ पर येलो बैकग्राउंड आपको लिखना है। सो यहाँ पर मैं येलो और उसके बाद बैकग्राउंड लिख के मैं यहाँ पर सर्च कर दूंगा। सो येलो बैकग्राउंड बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्वायर वाला ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट कर लो और इसको कुछ इस तरह से फिट कर दो स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको बेंडिंग वाला ऑप्शन पे आ जाना है और आप इसको मल्टीपल पर सिलेक्ट कर दो। सो मल्टीपल पर सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इमेजेस दिखने लगेगा। सो यहाँ पर आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है या फिर आप स्क्रीन पर टैप कर देना है। सो उसके बाद आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली यहाँ पर आपको टेक्स्ट को लगाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिखने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पर नीचे टेक्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कि किंग कोहली। सो यहाँ पर मैं किंग कोहली लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। सो आप कैपिटल लेटर में लिखिए उसको, और लिखने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो कुछ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद इसको आपको एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने व्हाइट बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट किया था पहले, तो उस जगह पर आपको इसको फिट करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको रोटेट करके पूरी तरह से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। और सो एडजस्ट करने के बाद हम लोगों को इसका कलर भी फिलअप करना है, तो टेक्स्ट का कलर फिलअप करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली वहाँ पर आपको कलर वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। सो उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कलर वाला, सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है और ग्रेडियंट पर चले आना है। उसके बाद आपको व्हाइट कलर पर ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर बैकग्राउंड पे हम लोग का येलो था तो हम लोग यहाँ पर येलो सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद राइट पर टैप कर देंगे। सो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको टैप करना है, और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का थोड़ा सा डार्क वाला कलर को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कलर लग चुका है। अभी आपको इसका शेडो को आपको सिलेक्ट करना है। सो शेडो सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर राइट की तरफ चले जाना है और यहाँ पर शेडो वाला ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको शेडो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट कर लेना है, उसका कैपेसिटी को फुल करना है और ब्लर को 50 रखना है। उसके बाद नीचे पोजीशन को 0 कर देना है और आपका ऊपर वाला भी आपको 0 कर देना है। सो 0 कर देने के बाद आपको स्क्रीन पर टैप कर देना है। सिंपली टैप करने के बाद आपको यहाँ पर और एक काम करना है, अभी बहुत सारे काम बाकी है भाई। उसके बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दो और यहाँ पर ऐड फोटो वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, तो सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ओरिजिनल फोटो जो विराट कोहली का मैंने लिया था उस फोटो को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड को हटाना है, तो सिंपली इसके लिए आपको नीचे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिमूव बीजी, उसको क्लिक करना है और बैकग्राउंड रिमूव वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्ट करने के बाद कुछ देर के बाद आपका बैकग्राउंड हट जाएगा कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मेरा इमेजेस का बैकग्राउंड हट चुका है और इसको मैं थोड़ा सा फिट कर दूंगा जो नीचे वाला फोटो है उसके साथ मैच करने के लिए। सो यहाँ पर मैच हो चुका है और अभी आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो सिंपली यहाँ पर हम लोगों को विराट कोहली का शेडो को लगाना है, तो यहाँ पर सिंपली शेडो वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर एडजस्टेबल ऑप्शन पे आपको ब्लर को ज़्यादा नहीं 50 पर रखना है, और आपका नीचे कैपेसिटी को आपको फुल कर देना है। और यहाँ पर हम लोग कलर को चूज़ करेंगे, और आपको यहाँ पर येलो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग थंबनेल को येलो कलर किया था, तो इसीलिए हम लोग को इसको भी हम लोग शेडो को भी येलो कर देंगे। सो सिंपली यहाँ पर हम लोग को पोजीशन को पूरा जीरो कर देंगे, और आपको ऊपर का भी आपको जीरो कर देना है। सो यहाँ पर एडजस्टेबल ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर ब्लर को हम लोग 50 रखेंगे, और इसको कैपेसिटी को पूरा 100 कर देंगे। उतना कुछ करने के बाद आपको फिर से सिलेक्ट कर लेना है, और आपका यहाँ पर बॉर्डर वाला सेक्शन पे आ जाना है। यहाँ पर राइट की तरफ चले आना है, और यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आपको बॉर्डर को चूज करना है, और यहाँ पर बॉर्डर का कलर भी आपको सिलेक्ट करना है, इसको भी आपको येलो रखना है। यहाँ पर कलर वाला सेक्शन पे आ जाने के बाद यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट करना है, और ये राइट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट को आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा लो कर देना है। सिंपली यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद आपको इसको टैप करना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर चले आना है, और क्लियरिटी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लियरिटी वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा हल्का उसको एडजस्ट करना है, और उसके बाद कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके प्लस कर देना है, और उसके बाद नीचे और पास में आपको क्लियरिटी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको क्लिक करके आप क्लियरिटी को बढ़ा दो। इस तरह से कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ऊपर टैप करना है, और इसको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको क्या करना होगा, नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टिकर वाला, उसको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इफेक्ट लिखो। इफेक्ट वाला ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपको नाइट विजन उसको आपको सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरह वाला इफेक्ट को आपको लगाना है, कुछ इस तरह से इसको जूम कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। बेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको क्लिक करके यहाँ पर दो बार टैप करना है मूव टू डाउन। उसके बाद आपको नीचे बेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका बेंडिंग को सिलेक्ट करके आप स्क्रीन कर देना। स्क्रीन कर देने के बाद अभी आपका जो फोटो है वो क्रिएट हो चुका है, सिंपली इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सब कुछ क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर आपका इनहांस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली ये वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपका फोटो जो है थोड़ा सा इनहांस हो जाएगा, सिंपली इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में लाइट रूम एप्लीकेशन है तो आप लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लो, और यहाँ पर आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लो जिसको आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से बनाया होगा। यहाँ पर मैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले लो, और यहाँ पर नीचे आपको कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर हाइट लाइट को भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का सबको आपको प्लस में रखना है। उसके बाद शेडो को थोड़ा सा माइनस में रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट चले जाना है। यहाँ पर इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे आ जाना है, और आपको यहाँ पर इफेक्ट्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर टेक्सचर को आपको हाईलाइट करना है, और उसके बाद क्लियरिटी को पूरा फुल करना है, या तो फुल से नीचे थोड़ा सा रखना है। उसके बाद आपको नीचे आपको ऑप्शन को इसको भी थोड़ा सा हल्का बढ़ा देना है। कुछ इस तरह से करने से आपका देख सकते हो आपका थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है, और लाइटिंग भी आ रहा है। कुछ इस तरह से करने से आपका जबरदस्त थंबनेल एचडी थंबनेल बन जाएगा। फ्रेंड्स, आपको तो पता चल गया होगा कि कैसे क्रिकेट का एडिट हम लोग क्रिएट करते हैं, और आपको कैसे एडिट करना है वो तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, तो अगर आपको पता नहीं चला तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। मैं धनी भाई का भी यहाँ पर थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना।
सारे प्लेयर्स को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सो सिंपली यहाँ पर एडिट फोटो पर क्लिक करना है और आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस फोटो को आप थंबनेल बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर धोनी भाई का, तो सिंपली यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। सो सिंपली यहाँ पर आपको टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इसको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर 16:9 पर ही आपको क्लिक करना होगा। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और कुछ इस तरह से आ जाता है, यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उससे ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट को चूज करना है और यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो उसके बाद आपको नीचे आपको स्टिकर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में आना है और आपको यहाँ पर लिखना है निकले के बाद आपको ये वाला आपको इफेक्ट को आपको लेके आना है ये वाला। सो सिंपली इसको कर देना हो क्लिक। सो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाता है, आपको कोई घबराना नहीं है, आपको ये अच्छे से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया हूँ लेकिन उसको आपको टैप नहीं करना है राइट वाला ऑप्शन पे, आपको इसको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है। सो डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसको फिर से आपको इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करवाना है। सो हो गया, अभी डन हो गया, अब स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली यहाँ पर स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट सर्च करना है वाइट लाइट। सो वाइट लाइट सेट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऊपर में, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को क्लिक करना है और इसको आपको कुछ इस तरह से जूम करना है इस तरह से। उसके बाद आपको नीचे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसको क्लिक करना है और आपको यहीं पर नॉर्मल स्क्रीन पर आपको टैप करना है। उसके बाद मल्टीपल टैप करना है और आपको इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से स्क्रीन वाला ऑप्शन पे यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो अभी डन हो चुका है और अभी आपको एक अभी आपको स्टिकर पे चले जाना है और आपको यहीं पर लिखना है वाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है और इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। ओके, डन हो गया। सो अभी स्क्रीन पर टैप करना है, डन करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसको लेके जाना है मल्टी ओवरले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, अभी आपको स्टिकर वाला ऑप्शन पे चले जाना है। आपको यहीं पर येलो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है।